आप सबको मेरा प्रणाम। कुंडलिनी जागरण सीरीज में आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र पर, इसे ज्ञान चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र ये कहाँ स्थित है, इसके जागरण की क्या विधि हो सकती है, और जो सरल विधि है वही मैं आपको बताऊंगा। इसके जागरण से क्या आपको बेनिफिट होते हैं, तो हम बात करते हैं आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र हमारा जो फोरहेड भाग, आपका मस्तक का जो दोनों आईब्रो के जो मध्य का भाग है, ये आज्ञा चक्र है, और ये बहुत सेंसिटिव चक्र होता है। आज्ञा चक्र हमारा ज्ञान का चक्र है, हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज्ञा चक्र की शक्ति जब संचालित होने लगती है जीवन में, तो व्यक्ति को कुछ इंट्यूशन आने लगते हैं, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसको पहले से ही पता लगने लगता है। आपके अंदर एक विशेष ज्ञान की उपलब्धि आपको प्राप्त होती है जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। अब इसे जागृत कैसे किया जा सकता है? आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आपको ओम का सहारा लेना होगा। ओम हमारे वैदिक वेदों का महान मंत्र है, और इस मंत्र के द्वारा ही आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं, बहुत सरल विधि से। समय लग सकता है लेकिन सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी, और बहुत सहज मार्ग है ये। तो ओम का उच्चारण कैसे करना है, तीन जब ध्वनि उत्पन्न होती है जब भी हम ओम बोलते हैं, अ उ और मैं, तो आपको मैं की ध्वनि को लंबा करना है, उसको लंबा अधिक से अधिक जितना वाइब्रेट कर सकते हैं आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करते हुए आप उसको करें, तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा। उससे ये बहुत सेंसिटिव चक्र है, इस चक्र को आप किसी भी तरीके से आप इसको कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष साधनाएं हैं। उन साधनाओं को आप गुरु के सानिध्य में करें, और सरलता से जो मैंने आपको बताया ओम का उच्चारण करें, और ध्यान भी आप लगा सकते हो। प्रतिदिन 21 मिनट जो है ओम का उच्चारण करने के बाद, मैं की ध्वनि से वाइब्रेट करने के बाद, उसके बाद आप बैठ जाएं, शांति से पूरी धारणा करें अपने आज्ञा चक्र पर। इससे आपके चक्र की शक्ति जागृत होती है। तो आप सभी इसका उपयोग करें अपने जीवन में, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, अपने शरीर की शक्ति को जागृत करके, अपने मन की शक्ति पर नियंत्रण पाकर आप अद्भुतता को प्राप्त कर सकते हैं। ये योग की कुछ विशेष विधियां हैं जिनको करके आप अपने शरीर के चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे सहस्रार चक्र पर। आप सबको मेरा नमन। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।